दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली जो है वो निकाली जा रही है इंडिया अलायंस के द्वारा, और इस रैली में कैसी तस्वीर है ये दिखाते चलते हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल यहाँ इस इंडिया अलायंस के पार्टनर होने के बावजूद, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो गई है तो वो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन पोस्टरों से अटा पड़ा है अरविंद केजरीवाल का जो तस्वीर है वो जेल में दिखाते हुए यहाँ पर तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल की वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे नज़र आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की गई, बिना सबूतों के की गई, और इसी को लेकर समूचा विपक्ष जो है वो इकट्ठा हुआ है, लोगों का जुटना शुरू हो गया है। लेकिन जो पोस्टर्स की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको सोनिया गांधी, इंद्र और राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, उनके भी इंडिया अलायंस के पोस्टर के साथ जो है वो तस्वीरें यहाँ पर नज़र आएंगी, जहाँ पर तमाम ये आला नेता नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको मंच की तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि जो एक बैकग्राउंड है उसमें सिर्फ इंडिया लिखा है, इंडिया और लोकतंत्र बचाओ महारैली जो है वो यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि पूरी तरीके से किसी एक दल का जो जो एक तरीके से कहें ऐसा नहीं है, सभी दलों का जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर नज़र आएगा, और तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा उद्धव ठाकरे, पवार साहब और तमाम बड़े नेता जो हैं अलग अलग पार्टी दलों से वो यहाँ पहुँचकर अपनी जो है दर्ज कराएंगे, और एक नारा जो दिया गया है वो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है वो इस महारैली में दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।